अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, देखो जो आइडिया है आपका वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस पे, ठीक है। आइडियाज पेज पे लेट सपोज कि भाई मेरा एक प्रॉब्लम होता है, आइडिया इफेक्टिव है नहीं है वो, देखो लोग इंटरेस्ट लेते नहीं लेते वो छोड़ो, मुझे मेरे पास एक आइडिया आता है और ये मेरा आइडिया लिखा हुआ है, ये कि जो भी मेरे आइडिया का टाइटल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड कोई और भाई उन्होंने अपना आइडिया लिखा हुआ है, थर्ड का कोई और आ जाता है। द नेक्स्ट पेज इज वो ये होगा कि भाई जब किसी के पास आइडिया होता है तो उसके पास डेफिनेटली जो आपने अपना पॉइंट लाया है कि उसके पास सवालात होते हैं और कुछ इश्यूज होते हैं कि भाई मेरे ये इश्यूज आ रहे हैं या मेरे ये सवालात है। तो इस आइडिया की जब डिटेल कोई खोलता है तो सामने जाके उसे क्या मिलेगा, वो आइडिया लिखा होगा, उस आइडिया के साथ वो हम ले लेते हैं कि भाई ये मेरे इश्यूज हैं और ये मेरे सवालात हैं, ठीक है। और मे भी हम कुछ अभी हम इस पर डिटेल में नहीं आते, सिंपली इधर अब जो पर्पस करेंगे लोग, अगर कोई आता है इसमें फीडबैक दे तो वो सोल्यूशन देते जाए। अब एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, यही आप बात कर रहे हो ना। तो अच्छा इसमें वो चीज देखिए, जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो पिक होगा, वो तो खैर मैं समझता हूँ उसकी इतना वो नहीं है जितना ये चीज है कि इस वक्त जो मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ यहाँ रख के, कि भाई मेरे पास एक आइडिया था, मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया आपकी साइट पे पाथ फॉर सॉल्यूशंस पे, एंड देन मेरे आइडिया पे जो मुझे एग्जैक्ट सवालात थे या इश्यूज थे वो सब मैंने निकाल दिए अंदर से और डाल दिए। जब सोल्यूशन आते जाएंगे 1 2 3 4 तो मे भी उन सारे सोल्यूशन से खुद मुझे कोई रेटिंग दे ना दे, पर मुझे बहुत सारी चीजों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा, पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, दिमाग खुल सकता है कि यार अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उससे डेफिनेटली हेल्प तो होनी है, ये तो आप डिटेल पेज जो उसका होगा उसमें हेल्प तो होनी होनी है भाई, ये सिंपल चीज है। अब इसमें क्या चीज चाहिए, एक पेज हो जिसपे आइडिया की लिस्ट लगी हुई हो आपकी आइडियाज, और सेकेंड पेज उस आइडियाज के साथ उसके सवाल क्वेश्चन, इसको आप पब्लिक में जाके चेक करना चाह रहे हो, वो एक आपका सिनेरियो है। बट इफ यू बिलीव इन दिस, मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, चेक किए बगैर टेस्ट किए बगैर आपको कैसे पता लगेगा। 2 पेज बनने और उसके बाद उस पेज के मतलब वो कोडिंग डेवलपमेंट जो होती है, एंड देन यू आर रेडी। अब लोगों को आप बताओ, मार्केटिंग करो, वो सारी चीज देखो, फिर वही आती है के बारे में। तो खैर अब उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा, मुझे जो मुझे अभी करना था वो ये था भाई, 1 पेज 2 पेज एंड गो। और बाकी जो रह गई रेटिंग की बात, तो जाहिर है वो पब्लिक वोट एक अलग चीज है, उसमें भी ये बेनिफिट है कि जब लोग खुद देखेंगे और रेटिंग देते जाएंगे तो सोल्यूशंस में भी मजीद पब्लिक उसमें क्या क्या ज्यादा पसंद कर रही है, वो सोल्यूशन ज्यादा पसंद आ रहा है पब्लिक को, उससे एक मजीद आप समझ लोगे, एक आप समझ लोगे एक ज्यादा थोड़ा सा इम्पैक्ट नजर आएगा कि यार वाकई में इस आइडिया और सोल्यूशन प्रॉब्लम में ये वाला सोल्यूशन ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो लोगों को ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट कि जब तक चीज यूज में नहीं आई, इवन वो आइडिया और सोल्यूशन भी जब तक जहां तक है वो एग्जीक्यूट जब तक नहीं होंगे तब तक उनका इम्पैक्ट भी सोसाइटी में नजर तो आएगा नहीं। लेकिन अगर आप एक लफ्ज में बात सुनना चाहो कि भाई ये अच्छी चीज नजर आ रही है या नहीं, तो इस पे मेरी तरफ से तो नो नहीं है भाई, मेरी तरफ से तो इस पे यस ही है, ये सिर्फ मेरी अपनी एक राय है। बाकी आप खुद अपने आइडिया को जो आपके दिमाग में जो विजन है एग्जैक्ट, आप किस तरह है, किस एंगल में देख रहे हो वो एग्जैक्ट तो आप जानते हो, पर जब ये चीज आएगी तो मेरी आप अपना ही आइडिया डाल के अपने इश्यूज और सवाल डाल दो, फिर देखो आपको क्या सोल्यूशन मिलते हैं इस पर। तो इसी इसी को अपने ही लिए यूज कर लो कि आप स्टार्ट फ्रॉम ऑडियंस ऑफ वन, यू आर योर ओन ऑडियंस, आपका अपना प्रॉब्लम अगर इससे सॉल्व होता है इसी चीज में तो आप उसी को क्लोन कर दो बहुत सारे लोगों की तरफ, कि जब आपका अपना सॉल्व हो गया आप ही की चीज से तो बाकी लोगों का भी तो सॉल्व होगा उनकी चीजों के लिए, इट्स ए क्लोनिंग। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।